तो भाई आज आइए हम अड़े जाट कॉलेज के ग्राउंड में रोहतक में, कारण के हमारे सीएम मनोहर लाल खट्टर आने लग रहे हैं। देखो क्या क्या सौगात रखे के देख जाएंगे, क्या बात क्या जाएंगे, एक एक बात एक एक चीज आपने दिखाओगे बताओगे सारी आप तक पहुंचाओगे। और ये आने हो रहे हैं, एक बार दिखा दिए भाई, पुलिस बल उनकी सुरक्षा में तैनात है। सीएम साहब कभी भी आ सकते हैं, आने का समय हो चुका है। लाइट रेन तक पूछ रहे हैं, राम राम जी सारे ने, क्यों कर गया है जी आज भाई? अब तो खट्टर साहब की वाह वाह है। खट्टर साहब किस टाइम पर लेट नहीं हो रही है कुछ आज? लेट हो रही है थोड़ी है कि लेट तो ही रहे हैं। इतना लेट होते जी नेता गुण को या इस बात के लिए आ जाए दिखाए बिना तो नेता नहीं होता भाई। फिर के पार्ट देख रहे हो आज, के सौगात देख जाएंगे आज? देखो आओ देखो, जैसे ही मंच पर से वो करेंगे संबोधित जब पता चलेगा, क्या पता है। अखबार में तो कई दिन करेंगे, अखबार में तो कई दिन पहले नहीं आ रही थी कि वार्ड के लिए करोड़ की सौगात इस बारे देना रहे, गलियों का और सारा काम कमेटी बनाओगे, कमेटी की बनाने की शकील थी। पंचायत को छोड़ कर लोकल पंचायत के भाई सारे 10-10, 20-20 इकट्ठे करके ना उस हिसाब से काम होंगे खूब धड़ाके दे। यू काम तो ठीक हो जाएगा, आदमी के बजाय छोटे छोटे संगठन बना दिए था, घना बढ़िया है, इससे तो सब कुछ वो हो जाएगा। चलो जी सुन में आई है कि संगठन बनाए जाएंगे, एक आदमी जैसे वार्ड का एक एमसी बन गया, वो कहाँ कहाँ काम कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तो इसका देख रेख में थोड़ी सी दिक्कत आओ थी। तो छोटे छोटे समूह और संगठन बनाए जाएंगे जिसके द्वारा उनके काम हो गए देख रेख में, एक आसानी बन जाएगी, एक चलन हो जाएगा जी। काम खूब ज्यादा होंगे उससे, तो सरपंच के पास कुछ ना रहा, आपस भाईचारे का वो हो जाएगा सबके। अच्छा एक चीज शायद आपके सुन में आई ना, एक हफ्ते पहले कांड होया गाँव में, एक छोरा मर गया सर्विस बात के ऊपर है कि वो एवरेज हो गया, 3 साल तक भर्ती की बाढ़ देख रहा था, फौज की भर्ती नहीं लिखड़ी, इस बारे में क्या कह सको? फौज की भर्ती तो कोरोना के मारे ना लिखड़ी ना, तो फौज की तो भर्ती भी आओगी अगले महीने में ना, तो उसका अगले में आ जाएगी। कोरोना तो जी मान लिया, इलेक्शन भी हुए हैं, सारे काम हुए हैं, फौज ने भी कम कर रहे है 1 लाख इसलिए ना काट रहे। फौज की भर्ती आ है जब इनको कहते हैं कोरोना आ गया, जब वो इलेक्शन हो तब कोरोना कहाँ गया? ये बात बने कोरोना का, ये समर्थक है मोदी के समर्थक भगत अंधभगत है, अंधभगत है, मैंने बात अंधभगत है, ये इसलिए बोल रहे हैं। लेकिन ये नहीं देख रहे वो अवरेज हो गया बेचारा लड़के की, ये नहीं देख रहे सरकार जी अगर कितने साल से लड़का प्रैक्टिस कर रहा है, उसकी प्रैक्टिस कुर्बानी करी खत्म हो गई होगी। फिर एक चीज और भी है उसकी साइड में जाओ थोड़े, एक चीज और भी है उसकी कुर्बानी नहीं आता, या तो एक चीज और भी के लिए हुआ है, अगर मान लिया हर साल 3 साल भर्ती हो लिए, फौज कम पड़ा है, फौज का रिटायरमेंट तो उतनी जानी है, तो फौज कम पड़ ला रही है, किस तरह विश्व गुरु बन जाएंगे वो भाई साहब? देखो अभी अगर मान लिया गवर्नमेंट इतना है तो कह दो उनके साल बताओ, जितने बालक प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी उम्र एवरेज होगी, नया बालक है वो पढ़ लिख कर इसीलिए पढ़ा है, सरकार एक नौकरी तो मिलती नहीं फौज में, इसीलिए जा है कि वो वहाँ नौकरी मिल जाएगी उसको, पढ़े लिखे ज्यादा वहीं जा रहे हैं। एक ये आए हैं जी, इन तो पूछेंगे राम राम जी, पहले राम राम जी, के बात झंडे झंडे टांग के वाले पर पूरी मसूरी भला रहे हो? वो तो भाई बचपन से ही काम है, मतलब एक बीजेपी के समर्थक हो, मनोहर लाल खट्टर के समर्थक हो? मैं भारतीय जनता पार्टी का सेवक, उठा रहा है क्यों उठा रहा है या पूछेंगे भाई एक तकती क्या की दिखाई भाई क्या है यो यू मेरे हाथ में पकड़ा चला गया समर्थक तक ग्रेड लिया हो पूछ लाग रहे थे उनकी राय भी ले रहे थे बाकी वे सीएम साहब आ लिए हैं और वे क्या क्या गजाएंगे क्या क्या सौगात देंगे क्या क्या बात बताऊंगे सारी आप तो इससे बारे बढ़े रहे जमींदार जय हिंद।